पिशावर जा रही है, हादसा कैसे पेश आया जी? लेकिन गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर से कंट्रोल नहीं हुई। सर सूरत हाल ये है कि हमेशा की तरह ये भी जो है ना वो दाखिल दफ्तर हो जाएगी। ओहो, सर लगाए पटड़ी पे लगा उसका आगे सर में। पाकिस्तान का वही दिल का कार है, नो पाक चपटा दो चपटे पर चपटा। कि बच्चों की टेंशन जहन में होती है, अपना तो मसला नहीं है ना। अभी हालिया बारिशों के बाद इसको चेक नहीं किया गया। अच्छा, ये रहमान बाबा एक्सप्रेस जो कराची से पेशावर जा रही है, हादसा कैसे पेश आया जी? जी, हादसे के बारे में ये जो है जो जहरी आंख है, एक तो रेलवे का अपना मौकफ होगा, हम जो है जो पब्लिक को जहरी आंख की सूरत हाल बता सकते हैं कि यहाँ पेशावर जाने वाले दो ट्रैक हैं। एक ट्रैक जो है वो इसके दाएं तरफ है, एक बाएं तरफ है। जो दाएं तरफ ट्रैक है वो मामूल का ट्रैक है, वो दुरुस्त ट्रैक है और वो अच्छी हालत में भी है। और ये तजर्बाती ट्रैक था? नहीं, ये हंगामी तौर पर इसको इस पर भेजे जाते थे, लेकिन हंगामी सूरत हाल में भेजने से कबल अभी हालिया बारिशों के बाद इसको चेक नहीं किया गया किसी बार कि इसकी क्या सूरत हाल है, कि कहीं ज़मीन बैठ गई है, नरम है या क्या सूरत हाल। अब सूरत हाल मजीद ये है कि दीगर बोगियों को देखें कि उनमें आदमी बैठे हुए हैं। ये अगर मजीद इस सूरत हाल में 75% ये अब डाउन ऐसी हो चुकी है कि जो हादसे का सबब बन सकती है, लेकिन वही है पाकिस्तान की सूरत हाल बन गया तो फिर देखेंगे। अब यही सूरत हाल जो सामने आएगी। हम ये क्या बैठे थे? अच्छा, हम उसके सामने बैठे थे, हमने अपनी आंखों से देखा गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी। अच्छा, और ये टर्न है। अच्छा, ये यू टर्न टाइप है यहाँ पे, गाड़ी हमेशा अच्छा जाती है ट्रांस। ठीक है, इन्होंने स्पीड से गाड़ी लेके गए हैं तो वहाँ पे जो है ना एक डब्बा उतरा है और बाकी जो है। अच्छा जी जी, हाँ जी। अच्छा जी, आप कुछ कह रहे थे? ये कह रहे थे अगर मर भी गए तो क्या, इधर तो दुनिया वैसे भी मारते रहते लोगों को। तेज सही रफ्तार गड्डी में, तेज सही पाकिस्तान की बात करते हैं, खुद हम लोग से बच्चे तो बच्चे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चलो चलो ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ये आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे मुकामी जो इंतजामिया थी स्टेशन की, ये इसकी गलती बनती है या देखें जी कि ये तो केपन वाले को पता होगा क्यों उसने गाड़ी को आगे आना दिया है, तो पता होगा ठीक है हम है या आगे गाड़ी कन्फर्म है। ठीक है, तो पटरी क्लियर करके गाड़ी छोड़नी चाहिए। ठीक है, लेकिन गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर से कंट्रोल नहीं हुई। जब ये पहला डब्बा उतरा हुआ है, अच्छा, तो गाड़ी वाले ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, अगर ब्रेक लगा था अल्लाह ना करता तो ये जो है ना काफी नुकसान होता है और काफी बंदे जख्मी होते हैं। ठीक है, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई बंदा जख्मी नहीं हुआ। सही, आपका नाम क्या है जी? आसिफ। आसिफ अली जी, माशाल्लाह, शुक्रिया जी आसिफ अली साहब। आपका भी पीछे से पता चला है कि उनको दो डब्बों को काटा जाएगा। अच्छा, और ये इतना है कि पब्लिक को मैसेज दे दिया जाए कि वो जो है पुलिस भी पहुंच चुकी है, अब पुलिस भी वहाँ मौके पर इकदाम कर रही है। ठीक है, और पुलिस ये कर रही है कि वो बंदों को उठा रही है। ये तो नीचे ये लकड़ी लगा के ये टेके दे रहे हैं, ये इसका सहारा दे रहे हैं, ये क्या है? ये पाकिस्तान में अजीब बात है, पाकिस्तान में जो है वो अच्छा ये तरह से पाकिस्तान के इंजीनियरिंग सिस्टम ही ऐसा है। अच्छा, यहाँ स्लैग भी इसी तरह पड़ती है। अच्छा, गोली भी इसी तरह जाती है। ठीक है, हाथों के भी शुरू में ये बता दें ये इसको काटा जाएगा। अच्छा, और काट कर ये इसको अब करेंगे। अच्छा, सूरत हाल में पाकिस्तान का वही तरीका कार है, नो पाक चपटा तो चपटे पर चपटा। क्या कहना हाँ जी, तो ये जहाँ जब जी शाह साहब भी पहुँचे हैं जी, मारूफ साहबी हैं जी, पाकिस्तान टेलीविजन से इनका ताल्लुक है जी। शाह साहब जी, आप क्या समझते हैं, कुछ मालूमात आपको मिली है इस हवाले से? अभी मैं अभी इतना मिली है तो अभी पहुंचा हूं। और अच्छा, जो वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन जारी है हादसे की वजूहात का, अभी तक जो है वो हतमी तौर पे कोई अभी कोई इलामिया जारी नहीं हुआ है, ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट उन्होंने दी, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये है कि ये नाअहली है इदारे की जो हमें समझ आती है, क्योंकि पटरियों की मेंटेनेंस, रास्ते की उसकी सफाई, और आई थिंक जो है इसका जो आप क्या समझते हैं कि ये गुज़िश्ता कई माह से ये हादसा तो आतर के साथ हो रहे हैं जी, तो क्या इसका भी कोई नतीजा निकलेगा, इसकी कोई इंक्वायरी होगी, क्या किसी को सजा भी मिलेगी? अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हमेशा की तरह ये भी जो है ना वो दाखिल दफ्तर हो जाएगी फाइल, और कभी अवाम के सामने कोई हकायक नहीं आएंगे। ये अल्लाह का शुक्र है कि इसमें कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई। ये जी वो ट्रेन, ये बोगियाँ जो गिरी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा राशि बन गया यहाँ पे। आ जाए बेटा, आ जाए आ जाए। आगे वाले भी वो देखो, आगे भी टायर गिरे हुए।
काफ़ी नुकसान हो गया यहाँ पे बेटा, देखे कितना नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है ना, देखे आदि नुकसान हो गया। तो ये देखें जी, ये सरासर नुकसान है। पुलिस यहाँ पे बिल्कुल स्टेशन के करीब है जी, ये स्टेशन आपको नज़र आ रहा है और बिल्कुल स्टेशन के साथ ये चौकी भी इधरी करके है पुलिस वालों के। लेकिन पुलिस के मुतालिक कहा जा रहा है कि काफ़ी लेट देर से पहुंची है यहाँ पे पुलिस भी। कौन सा वाला? हाँ वो एक और हवेलियाँ वाले आएगी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, इधर से ये आप एक और ना एली आपके सामने देख लें। आवाम का पैसे को ज्यादा किस तरह किया जा रहा है यहाँ पर, बाबा आपका मुंह नहीं नजर आ रहा। हाँ आ रहे आ रहे हैं। क्या बैठे हुए ना आगे लोग बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं ना, इसमें नहीं, इसमें तो उतर गए हैं ना बेटा। ये सामान पड़ा है पैसेंजर हजरात का, ये सामान आपका है जी, ये सामान आप इस डब्बे में थे आप, तो कोई को आपको जख्मी तो नहीं कोई हुआ इस तरह? कोई नहीं हुआ, बच्चे थे साथ में उनका मसला था, अपना मसला। अच्छा बच्चे माशाल्लाह बच्चे हैं सब। अच्छा 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 अच्छा, जब ये हादसा पेश हुआ तो आपको कैसा फील हुआ आपने? बच्चों की टेंशन जहन में होती है, अपना तो मसला नहीं है ना। ठीक है, कितने पैसेंजर तकरीबन इस डिब्बे में होंगे, कोई आइडिया नहीं है? तकरीबन 60। अच्छा 40-50। 40-50 इतने पैसेंजर थे होंगे ना। ओहो सर लगाए पटड़ी पे, लगाए उसका आगे साथ छलांग लगाते हुए, इस तरफ से लगा दी थी। अच्छा इस तरह से छलांग लगा दी थी, उधर ही खड़ा हुआ था भाई। अच्छा 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 अच्छा, मैं पंजाब से हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ओ, ये देखो ये लोग देख रहे हैं, ये उल्टी हो गई है, इसके जो टायर है ना वो नीचे उतर गए। देखे पैसेंजर मौजूद है गाड़ी में अभी भी। ये ट्रेन का हादसा हो गया, आपने देखा इसको, पैसेंजर भी अभी इधर ही है। ये नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो गया, समझते क्या समझते हैं आप? हाँ, सही। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे लोग बच गए हैं यहाँ से, जो पैसेंजर थे उन्हें कोई जख्मी तो नहीं हुआ? नहीं। अच्छा 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 अच्छा, तो अभी कितना टाइम और लग जाएगा यहाँ पे तकरीबन? बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, काफ़ी ज़्यादा रश बन गई अभी तो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उस डिब्बे में छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए थे ना पैसेंजर? जी। अच्छा वो सारे बच गए? जी। अच्छा अच्छा, चलिए आपको दुख तो हुआ हुआ होगा कि इतना बड़ा हादसा पेश आ गया है। अच्छा ठीक है, जब इतने ज़्यादा डिब्बे लगे होंगे इसने उल्टा तो होना ही है। अजी आपने देखे है बेटा, हैं अजी देखे है ना आपने, ये देखे जी इतनी लंबी गाड़ी है, इतनी लंबी गाड़ी है और यू टर्न पे इसने ये हादसा तो पेश आना बनता है, क्योंकि वो जगह ज़मीन में धंस गई है जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। वो तो पीछे से वो स्टॉप हो गई थी ना, गाड़ी चल ही नहीं रही थी, गाड़ी तो चल ही नहीं रही थी ना। हाँ तो उतर कर देखा, फिर बाद में पता चला गाड़ी रुकी है तो उतर के देखा हुआ क्या, तो फिर पता चला उन्हें कि ये पटरी से जो है ना डब्बे उतर गए हैं। ये है जी वो गाड़ी, रहमान बाबा एक्सप्रेस। तो आप क्या कह रही थी, क्या हुआ है, क्या पूछ रही थी? ट्रेन नहीं उतर सकती अभी पटरी, आप देख रहे ना उतर गई है ना। अच्छा ये रेलवे की नाकस कारकर्दगी की वजह से ये गरीबों का नुकसान हुआ है। ठीक है, ये अवाम का पैसा जाया हुआ है, अवाम तो अल्लाह के करम से बच गई है। अच्छा ठीक है, तो इंशाल्लाह जानी नुकसान नहीं हुआ। इसकी आवाज़ कैसी थी, आवाज़ सुनी थी जब यह हादसा पेश आया तो? हाँ आवाज़ बहुत सारी थी। अच्छा बहुत सारी आवाज़, गड़गड़ाहट की आवाज़ थी। गड़गड़ाहट की आवाज़। अच्छा सरदार हसन भी इधर मौजूद थे। अच्छा जब यह हादसा पेश आया तो? हादसा पेश आया।